सद्य मुनिश्री के पांचनम भाभरावंदन मुनिवृंद उपस्थित अणु समिति कलकत्ता, अणु समिति हावड़ा, समस्त गणमान्य व्यक्तिगण, समस्त साधुगण, परम पूज्य आचार्य प्रवर का आज दीक्षा कल्याण महोत्सव हम सभी ने मनाया। उसी श्रृंखला में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा उनके तत्वावधान में आज अनुशासना अभिवंदना समारोह आयोजित होने जा रहा है मुनिश्री के पावन सानिध्य में। अणु समिति हावड़ा और अणु समिति कलकत्ता द्वारा ये आयोजित हो रहा है। तो कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण के द्वारा, मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूँगा अणुव्रत समिति के सदस्यों को कि वे अणुव्रत गीत के संज्ञान के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत करें। अणुव्रत समिति के सदस्य आचार्य श्री महासमंद जी को सशत वंदन, अत्र विराजित मुनिश्री दिनेश कुमार जी और सर्वती मुनिवृंद को मेरा मध्यान वंदामी। आज की यह गीतिका अणुव्रत समिति हावड़ा एवं कोलकाता के संयुक्त संज्ञान के साथ। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता, प्रामाणिकता उसका मल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में अणुव्रत एक उजाला। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, धार्मिक है पर नहीं के नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन का धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, मूल्य परक शिक्षा के युग में संयम का अंकन हो। सत्य अहिंसा से आप्लावित जन जन का जीवन हो। भोगवाद के चक्रवात से सहज मिले छुटकारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा। सघन स्वार्थ की मूर्छा का उपचार अणुव्रत देगा। प्रकटे अब परमार्थ चेतना, उपस्थित हो जग सारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, बड़े प्रबल पुरुषार्थ सभी में अभिनव आशा जागे। जोड़े सबके अंतर मानस को करुणा के धागे। तुलसी मैत्री मंत्र अचल हो नभ में जो ध्रुव तारा। बदले युग की धारा,
की धारा, नई सृष्टि हो, नई सृष्टि हो अनुग्रहों के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। से कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करूंगा अनुर समिति कोलकाता के अध्यक्ष प्रदीप जी सिंह जी को कि वे आज के इस अवसर पर स्वागत वक्तव्य के द्वारा अपना प्रस्तुत करें। प्रदीप जी सिंह अणवत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटिशय नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा नमन। सम्मानित रतन जी दुग्गड़, सुशील जी चोरड़िया, अणु विभाग के मीडिया प्रभारी पंकज जी दुधोड़िया, विकास जी दुग्गड़, वीरेंद्र जी बोहरा एवं समस्त श्रावक समाज तथा उपस्थित सभी श्रद्धाशील श्रावकगण, सादर जय जिनेंद्र। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व इसी तिथि को तेरापन धर्म संघ में एक महासूर्य का नाम जुड़ा, जिसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से आचार्यों का विशाल हृदय जीत लिया, जिसे दो दो आचार्यों ने संपोषण दिया, सजाया, संवारा और आगे बढ़ाया, जिनकी विनम्र, सहज, सरल, सौम्य, मधुर मुस्कान बरबसी किसी का भी मन मोह लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। एक साधारण बालक जिसने अपनी असाधारण क्षमता, विरल व्यक्तित्व से आज हमारे सिरमौर हो गए हैं, जो आज अपने 50 वर्षों के दीक्षा पर्याय की संपूर्ति कर 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी स्तुति मात्र से ही हमारा हृदय आह्लादित हो जाता है और हमें सात्विक गौरव की अनुभूति होती है। पिता वियोग से जिस बालक ने संसार की असारता को समझा और मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी के प्रेरणा से आज हमें ऐसा सक्षम अनुशासन मिला, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी जो यहाँ पधारे हैं, मैं अणु समिति हावड़ा, अणु समिति कोलकाता की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक महामानव जिसने अपना चहुमुखी विकास किया, जिसने जैन आगमी नहीं अपितु धम्मपद, गीता आदि धर्म ग्रंथों का भी सांगोपांग अध्ययन किया, संस्कृत एवं प्राकृत पर जिनकी अच्छी पकड़ है, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी अणवत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी को श्रद्धा सिक्त नमन वंदन अभिवंदन। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम आरम। धर्म संघ एक गौरवशाली धर्म संघ है, इसमें आचार्यों का चयन किसी मुनियों के द्वारा, किसी श्रावकों के द्वारा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। इसमें चयन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आचार्य को है, वे ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करते हैं और वे आचार्य के आसन पर विराजित होकर धर्म संघ की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो अणुव्रत के अनुशासता, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक गुरुदेव तुलसी, जिन्होंने आंदोलन का प्रवर्तन किया और उनके बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अणुव्रत के अनुशासता बने और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रवण जी अणुव्रत के अनुशासता हैं। तो अनुशासता की
अभिवंदना हम करें तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को मधुर गीत के संज्ञान के साथ हम युग प्रधान ने आज बधावा चरणा शत शत शीश झुकावा प्रभुरा गौरव गावा मैं गण में मोद मनावा मैं कलयुग में भी देख रहा सतयुग रोवर तारो जिनवर जो है छटा निराली मगवा जो निहारो जो दिश में फैली है कीरत थी हो काशी का बातीरथ प्रभुरा गौरव गावा जी गण में मोद मनावा मैं दियो देव जो दान अनूठो युग रसी आभारी सफल इंसारात्रा थारी युग प्रधान उपकारी दूधा उजलो है आचार पारदर्शी है व्यवहार प्रभुरा गौरव गावाम गण में मोद मनावाम युग युग जियो है युग चिंतक युग राहो निर्माता घोरत निर्मय करो जाला युग दर्शी युग त्राता तेरा पथ राहो थे राम जन जन राहो आस्था धाम प्रभुरा गौरव गावा मैं गण में मोद मनावा मैं कोटि कोटि कंठा शुगावा महाश्रमण री जय हो महाप्रगरा सक्षम पटधर पग पग सदा विजय हो आयो दीक्षोत्सव सुखकार दीक्षव शासन है गुलजार प्रभुरा गौरव गावाम गण में मोद मनावाम युग प्रधान ने आज बधावा चरणा शत शत शीश झुकावा युग प्रधान ने आज बधावा चरणा शत शत शीश झुकावा प्रभुरा गौरव गावाम गण में मोद मनावाम अंदर कहाँ गया है आपकी प्रखर छवि यूं बयां करती है आपकी प्रखर छवि यूं बयां करती है जो आपकी पैनी नज़र सब पर दया करती है आपकी करुणा के कायल हैं हम सभी आपकी करुणा के कायल हैं हम सभी आपकी हर डगर नित्य नया करती है आपकी हर डगर नित्य नया करती है आचार्य प्रवर जहाँ भी जाते हैं जहाँ पधारते हैं वहाँ एक नई संरचना होती है नया सृजन होता है नया वातावरण सृजित होता है और नए आयाम स्थापित होते हैं आचार्य प्रवर की करुणा
आचार्य प्रवर की यात्रा चल रही थी और जैसे ही अनुव्रत अमृत महोत्सव का प्रसंग सामने आया और आचार्य प्रवर ने तत्काल अपनी यात्रा का नाम अनुव्रत यात्रा कर दिया। तो आचार्य प्रवर की कितनी करुणा है और कितना स्नेह भाव है कि अनुव्रत का कार्य कैसे आगे बढ़े। और आचार्य प्रवर की अहिंसा यात्रा के तीन जो संदेश हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इनमें अनुव्रत ही समाया हुआ है, अनुव्रत ही समाया हुआ है। तो ऐसे महान अनुशासता के बारे में और उनकी अभिवंदना में आज हमारे मध्य दो वक्ता उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा जिन्होंने उनके चरणों में अपना समय बिताया है या उनको नज़दीकी से देखा है, उनकी सेवा में अनुरक्त रहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रतनलाल जी दुग्गड़ को कि आज के इस अवसर पर अनुशासना अभिवंदना में अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री रतनलाल जी दुग्गड़। करूँगा गण का भंडार भरूंगा, जीवन भर काम करूंगा, कण का भंडार भरूंगा, संकल्प अटूट निभाया रे महाप्राणी गुरुदेव। उस महामानव महापुरुष अणुव्रत प्रवर्तक गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में नमन, आराध्य के श्री चरणों में नमन, महाराष्ट्र की पावन धरा पर विराजित युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा नमन, यहाँ पर विराजित तत्ववेता युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत और कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं जागरूक प्रहरी श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं विराजित चारित्रात्माओं के श्री चरणों में भाव भरा नमन। अणुव्रत विश्व भारती के पदाधिकारीगण, स्थानीय अणुव्रत समिति के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण, श्रावक समाज को मेरा ओम अरहम। अभी जब मुनिश्री अपने संयोजक के वक्तव्य में बता रहे थे तो मेरे स्मृति पटल पर सीधा सरदार शहर आ गया। एक ऐसा संयोग, अभी अभिवंदना के स्वर अनुशासता के प्रति अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की तरफ से, और उस अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ भी कहाँ से हुआ था, वही सरदार शहर की पावन धारा, जहाँ पर युवा मनीषी एक शिशु के रूप में जन्म लिया। और ऐसा संयोग शायद हम इतिहास देखें या पढ़ें, ऐसा संयोग लगता है मुनिश्री मिलेगा या कि नहीं मिलेगा कि एक आचार्य की जन्म स्थली भी सरदार शहर, शिक्षा स्थली भी सरदार शहर, दीक्षा स्थली भी सरदार शहर, हो सकता है यहाँ तक तो मिल जाए अगर हम अतीत को देखें, और उसके बाद में पदाभिषेक स्थली भी सरदार शहर। तो आज जैसा कि हमने सुना, आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और कर्तित्व के बारे में हम वैसे तो हरदम सुनते रहते हैं, और इस सप्ताह में विशेष रूप से हमने सुना, चाहे जन्मोत्सव आया, पटोत्सव आया और आज दीक्षा कल्याणक महोत्सव। मैं भी कई बार सोच रहा था कि ये कल्याणक वर्ड क्या है, लेकिन आज मुनिश्री, मुख्य मुनिश्री ने फरमाया कि हमने पहले यह सोचा कि गुरुदेव का स्वर्ण जयंती समारोह रखे नाम, लेकिन गुरुदेव ने फरमाया नहीं, यहाँ पर स्वर्ण और रजत कुछ नहीं, यहाँ तो हम स्वयं का कल्याण करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें और दूसरों के कल्याण में सहभागी बने, इसीलिए यह नाम कल्याणक महोत्सव दिया गया। और कल्याणक का अर्थ भी मुझे मालूम नहीं था, आज सुबह ही मैंने सुना मुख्य मुनि प्रवर के श्री मुख से कि कल्याणक का अर्थ भी स्वर्ण ही होता है। तो एक साथ जुड़े ये शब्द,
अब सरदार शहर की पावन धारा, और आज से हम लगभग 50 वर्ष पूर्व जाएं तो सरदार शहर का थाट बाड़ तेरापन धर्म संघ में एक अलग ही स्थान था, आज भी है लेकिन उस समय था, और हम कहते थे ए घोषित तेरापन धर्म संघ की राजधानी भी कहते थे। एक बार मैंने मंत्री मुनिश्री का लेख पढ़ा, मुनिश्री कि मेरा चातुर्मा सरदार शहर फरमाया गुरुदेव श्री तुलसी ने, और कितने दिनों के लिए, लगभग 18 महीनों के लिए आज से 50 वर्ष पूर्व, क्योंकि उस समय मुनि श्री सोहनलाल जी अस्वस्थ थे और बोले आचार्य श्री तुलसी का वहां से संदेश कहें कुछ भी कहें कि सरदार शहर उपजाऊ भूमि है, तो यहां से कुछ बालकों को विद्यार्थियों को तैयार करना है। उस समय तक कोई माहौल भी नहीं था, और ये अपने मंत्री मुनिश्री लिखते हैं वापस कि वहां के मानमल जी स्वामी जिन्होंने बाद में दीक्षा भी ली थी तेरापन धर्म संघ में, मानमल जी आंचलिया थे, बोले मैंने उनसे बात की कि अठे किसा किसा भाया है बाया है जबकि तैयार हो सके, तो बोले मेरे को 3-4 नाम बताइए आदरणीय श्री मानमल जी, उसके बाद में तो स्वामी जी हो गए श्रद्धेय हो गए, उन्होंने 4-5 नाम बताए और मैंने बात की सबने ना बोल दी, मैं भी निराश हो गया। फिर जब चातुर्मास के लिए हम सरदार शहर का हमारा प्रवेश हुआ, उस दिन 4 विद्यार्थियों ने उस समारोह में अभिवंदना समारोह में गीतिका गाई, बोला उनके मैंने नाम पूछे, उन चारों के नाम हीरालाल मोहनलाल विनोद कुमार और मांगेलाल, ये 4 नाम थे। बोला मुझे लगा ये चारों लड़के बहुत अच्छे लग रहे हैं, सबकी उम्र वही 11-12-13 साल की। मैंने उनसे बात की चारों से, उस समय तो उनकी शायद इच्छा नहीं थी, उसके बाद में तैयारी हुई और चारों के चारों हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुए। चारों जो नाम मैंने अभी बताए मंत्री मुनिश्री ने, चारों दीक्षित हुए। अब महाश्रमण जी कहें या उस समय के मोहन, उनकी दीक्षा भी बहुत जल्दी फरमाई गई। कहते हैं कि 6 महीने के भीतर भीतर, हम इतिहास भी पढ़ते हैं सुनते भी हैं गुरुदेव जी मुख से, सारी तैयारी भी हो गई इच्छा भी हो गई। लेकिन मंत्री मुनि आगे लिखते हैं, एक संयोग देखिए, चातुर्मास हमारा प्रारंभ हुआ उससे पूर्व लाडनू के मेहनोत जी थे, मनोत जी को उन्होंने दर्शन किए चातुर्मास से पूर्व, बोले वो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने मेरे हाथ की रेखाएं देखी मेरे पैर की रेखाएं देखी, उन्होंने कहा कि मुझे श्री लगता है आपके हाथों से कोई उत्कृष्ट कार्य होगा, उत्कृष्ट कार्य होगा। बोले हम बैठे रहे चिंतन करते रहे कि दोनों कभी याद नहीं आया, बोले एक दिन मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में आया कि तेरापन धर्म संघ में उत्कृष्ट कार्य क्या हो सकता है, कोई भी संत दीक्षा दे दे अपने हाथों से, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि किसको दीक्षा दे क्या दे। लेकिन बोले संयोग ऐसा बना, यहां ये 4 बालक भी तैयार हो गए, चातुर्मास प्रारंभ हो गया, मोहन की दीक्षा फरमा दी, और मोहन के साथ में जो अभी उदित मुनि हैं उस समय के हीरालाल जी, वो भी सरदार शहर के हैं, दोनों हीरालाल जी थे, उनकी दीक्षा फरमा दी। सरदार शहर के बोलते हैं कि कोई ज्योतिषाचार्य थे छगन लाल जी मिश्रा, बोले वो ऐसे दर्शनार्थ आए हुए थे, और कोई सामने मोहन बैठा था, उस समय मुमुक्षु मोहन था, बोले उन्होंने मेरा हाथ देखा वही रेखाएं देखी, और इमीडिएट उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर भीतर आपके हाथों से 2 बालकों की दीक्षा होगी। उस समय तक आचार्य ने कोई दीक्षा फरमाई नहीं थी कुछ नहीं, लेकिन बोले उन्होंने यहां तक भविष्यवाणी कर दी आपके हाथों से 2 बालकों की 6 महीने के भीतर भीतर दीक्षा होगी। हमने भी उस समय आश्चर्य किया, लेकिन उसके बाद में संयोगवश गुरुदेव को निवेदन किया गया, दीक्षा भी फरमा दी, और वो दीक्षा भी कारणवश सरदार शहर में ही हुई। वापस उन्होंने दर्शन किए छगनलाल जी ने, बोले उस दिन उस समय के मोहन बैठे थे और उनकी रेखाएं देखी, उनकी हाथ की रेखाएं, ये जो मैं बात बता रहा हूं साहित्य में लिखी हुई है, प्रामाणिक बातें हैं, और मुनि श्री मंत्री मुनि श्री सुमेर मुल जी ने स्वयं लिखा है। बोले वो उस दिन उनकी हाथ और देखते हैं,
वो पुनः कहते हैं कि आपके हाथों से दीक्षा होगी और ये जो सामने मोहन मुमुक्षी बैठा है, आपकी विद्यमानता में, आपकी उपस्थिति में यह तेरा पंथ धर्म संघ का सर्वोपरि व्यक्ति होगा। आपकी विद्यमानता में देखिए, उस समय तक दीक्षा भी नहीं हुई थी, मुमुक्ष मोहन और ऐसी भविष्यवाणियां, और आज हम देख रहे हैं कि वो दोनों भविष्यवाणियां साकार हो रही नहीं, हो चुकी है। तो हम ये देख सकते हैं, आज मैं प्रातः आचार्य प्रवर का प्रवचन भी सुन रहा था और प्रश्नोत्तर भी सुन रहा था पूरा प्रोग्राम, और जब साध्वी प्रमुख श्री जी और मुख्य मुनि श्री और साध्वी प्रिया जी प्रश्न कर रहे थे, कितनी ही बार मैंने आचार्य प्रवर के श्री मुख से जब उत्तर दे रहे थे सुना कि ये पूर्व संस्कारों के कारण ऐसा हो सकता है। अगर तर्क की बात आई कि आप इतने तर्क के साथ सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं, तो क्या आपने कोई तार्किक शास्त्र पढ़ा था क्या, ये प्रश्न किया मुनिश्री ने, मुख्य मुनिश्री ने। तो आचार्य प्रवर ने बार बार यही कहा कि लगता है ये पूर्व के ऐसे संस्कार होते हैं, वो संस्कार शायद उदय में आ रही हैं। पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही हैं, पढ़े बगैर तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। और एक बार मैंने पढ़ा था कि प्रमुखा श्री जी ने स्पष्ट लिखा, बोले आचार्य श्री महाश्रमण जी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चीजें उनके साथ है। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सानिध्य और इतनी कृपा, किसी सौभाग्य अगर किसी का नहीं हो तो बिना सौभाग्यशाली व्यक्ति का ये ऐसा सानिध्य, ऐसी कृपा नहीं मिल सकती। और पुरुषार्थ तो हम देख रहे हैं, हम किसी के श्रीमुख से भी देखें सुने, यहाँ पर अगर आचार्य श्री महाश्रमण जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और कर्तित्व की बात आती है तो ये पुरुषार्थ की बात आती ही है। चाहे वो दर्शन देने के लिए जाए, चाहे परिवारों को संभाले, चाहे क्षेत्रों को संभाले, अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं 150-200 किलोमीटर की ऊंचाई सिर्फ क्षेत्र में एक परिवार दो परिवार, और अगर उन्होंने श्री चरणों में निवेदन कर दिया तो 150-200 किलोमीटर की ऊंचाई खाकर भी गुरुदेव वहां पर पधारते हैं। कितनी श्रम निष्ठा, कितना पुरुषार्थ, और इस पुरुषार्थ को देखते हुए भी तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने क्या फरमाया था प्रवचन में, पूछा कि भी सबसे बड़ा तपस्वी कौन, यहाँ पर सबने तपस्या जिनके किसी के 31 की थी, किसी के, ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ऐसा एक उत्तर आएगा। बोले सबसे बड़ा महातपस्वी अगर यहाँ पर जो बैठे हैं उसमें है कौन, महाश्रमण। सब देखने लग गए, बोले आचार्य श्री ने तो कभी 31 की तपस्या 15 की तपस्या की ही नहीं, लेकिन उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि आप देखिए कितना श्रम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, अगर इसको कोई व्यक्ति कोई भी काम बोलते इसके मुंह से कभी ना तो निकलती नहीं है, इससे बड़ा धर्म संघ में महातपस्वी महाश्रमिक कौन हो सकता है। तो आज आचार्य श्री की हम आचार निष्ठा की बात करें, श्रम निष्ठा की बात करें, संघ निष्ठा की बात करें, और संघ निष्ठा की बात करते हैं तो शायद आपको और हमको सबको याद है कि संघ के प्रति कितना समर्पण गुरुदेव श्री महाश्रमण जी का, कि जब वो आचार्य प्रवर के साथ नहीं थे, बाहर विचर रहे थे और शायद उस समय जयपुर में विराज रहे थे, तीन संतों ने यह निर्णय ले लिया कि शायद हम धर्म संघ में अब नहीं रहेंगे, और आचार्य श्री महाश्रमण जी को उस समय पूछा गया उस समय का मुनि मुदित कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, उस समय आचार्य श्री महाश्रमण जी ने क्या कहा कि मैं धर्म संघ में रहूंगा और अगर आप तीनों भी धर्म संघ में नहीं रहते हैं मैं अकेला, उस समय उन्होंने कहा मैं युवाचार्य महाप्रज्ञ के पास अकेला चला जाऊंगा, और उन्होंने कहा नहीं कर दिखाया उनकी संघ निष्ठा, वो युवावस्था, वो वचपन, और देखिए उस समय उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति कहें, सोच शक्ति कहें, या विनम्रता कहें, कुछ भी कहें, संघ के प्रति समर्पण कहें, लेकिन उसी समय से बाल्यकाल से युवा अवस्था से हम देख रहे हैं आचार्य प्रवर को, चाहे उनकी श्रम निष्ठा की बात आए, चाहे पुरुषार्थ की बात आए। और एक जगह मैं जब पढ़ रहा था तो बताया गया संक्षेप में कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का आधार क्या है, उनका क्या आधार है, कोई उनका इधर उधर का आधार नहीं, उनका आधार सिर्फ है
आगम वाणी, भिक्षु वाणी और सच्चाई। और उनका आकार क्या है आचार्य श्री महाश्रवण जी का, हम और आप सब देखते हैं, आप बोलेंगे कितने सुंदर दिखते हैं उनके कान आंखें, लेकिन आचार्य श्री का आकार अगर कहें संक्षेप में तो सत्यम शिवम और सुंदरम। आचार की दृष्टि से आचार्य श्री को देखें, उनका आधार क्या, आकार क्या, उनके आचार में क्या है, सिर्फ एक ही बात कि मैं वीतरागता की तरफ अपने पद चिन्हों को आगे बढ़ाऊं। पंचाचार ज्ञानाचार हो चाहे ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य और तपाचार, पंचाचार की साधना और रत्न त्रय की आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना। उनके व्यवहार को तो जब हम सुनते हैं तो कोई भी मंच पर आएगा ये बोलेगा कितने करुणाशील है, कितने शांत है, कितने विनयशील है, उनकी मैत्री भाव देखें, उनकी अनुकंपा देखें, तो उनका व्यवहार करुणा से ओतप्रोत। जैसा कि अभी हमने मुनिश्री ने भी फरमाया कि अभी जो यात्रा थी और अनुव्रत विश्व भारती के पदाधिकारियों ने सहज रूप से गुरुदेव को निवेदन किया कि इस बार अनुव्रत अणु विभाग का, अनुव्रत विश्व भारती का अमृत महोत्सव प्रारंभ हो रहा है गुरुदेव, तो हम कुछ नया करना चाहते हैं। शायद किसी के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में भी नहीं था कि आचार्य प्रवर अहिंसा यात्रा से नाम बदल देंगे एक वर्ष के लिए। तत्काल आचार्य प्रभु ने क्या फरमाया, अच्छा अमृत महोत्सव प्रारंभ हो रहा है तो एक वर्ष की ये जो यात्रा, जब अमृत महोत्सव का प्रारंभ और जिस दिन तक उसका समापन समारोह मनाया जाएगा, तब तक क्या नाम था अहिंसा यात्रा का, अनुव्रत यात्रा, जैसा कि अभी मुनिश्री के श्री मुख से भी सुना। तो देखिए कितनी करुणा, किसी ने सोचा नहीं कि यात्रा का नाम भी गुरुदेव एक वर्ष के लिए चिंतन करके यह रख देंगे। तो उस महामानव महापुरुष की व्यक्तित्व के बारे में, कर्तित्व के बारे में, विशेषताओं के बारे में चाहे हम बोलते ही जाए, लेकिन जब मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, वो प्राय फरमाते थे कि व्यक्ति सफल कौन हो सकता है जिसमें ये डी डी हो। पहली डी क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा सही हो। दूसरी डायरेक्ट डी डिवोशन, पूर्णतः समर्पण भाव, कोई भी काम आ जाए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति तो हमने आचार्य श्री की देखी है, डिसिप्लिन। पांचवी डी हमने अनुशासन, मैं तो कई बार कहता हूं कि आचार्य श्री का अनुशासन तो क्या है, उनका तो आत्मानुशासन है, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन। और दो डी जो और आती है वो जो भी इच्छा कर लेते हैं आचार्य श्री, डिजायर और ड्रीम, स्वप्न जो आचार्य श्री सोच लेते हैं देख लेते हैं वो पूरा करते हैं। तो सफलता के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में जो ये 7D है हम आचार्य श्री महाश्रवण जी में देख सकते हैं। दूसरी चीज एक और, आजकल सब स्मार्ट होना चाहते ही हैं कि बहुमा बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में तो सब बोलेंगे ही। अब हम कहीं जाते हैं, मैं भी आया हूँ यहाँ पर तो थोड़ा तैयार होके आया हूँ, हो सकता है ब्यूटी पार्लर नहीं गए कि भाई आज जा रहे हैं प्रोग्राम में, सब स्मार्ट बन के जाना चाहते हैं, लेकिन आचार्य श्री महाश्रवण जी देखिए वो स्वयं में स्मार्ट है। SMART, एस फॉर सिंप्लिसिटी। शायद आचार्य श्री महाश्रवण जी से ज्यादा सिंपल कोई दिखता है क्या अपने को आज वर्तमान में? एम फॉर मोरेलिटी, ये तो हमने कलकत्ते में देखी है, मुनिश्री जब कलकत्ता में विराज रहे थे आचार्य श्री और हमारे घर पर विराजने की बात आई, सारी रात चल रहा था बारिश, सारी रात, सुबह के 10 बज गए, सब संतों ने मेरे को निवेदन किया कि आचार्य श्री तब तक पारणा नहीं करेंगे क्यों प्रातः रात तुम्हारे घर पे फरमाया हुआ है, तुम जाकर नहीं बोलो। मैंने 10 बजे जाकर गुरुदेव को निवेदन किया, मूक रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने पुनः निवेदन किया 10:30 बजे 11 बजे, लास्ट में गुरुदेव ने बिना बोले क्या किया, रणजीत सिंह जी कोठारी के घर पे थे और एकदम गेट पर आकर बैठ गए बिना बोले। संत भी सोचे, हम भी सोचे क्या बात हुई, अचानक अंदर से गुरुदेव बैठ गए। फिर जब आचार्य प्रवर को पूछा तब संतों ने बताया कि गुरुदेव का है कि अगर 1 मिनट भी बरसात की छांट रुक जाए गुरुदेव यहां से विहार कर दे। शायद 12:30 1 बज गए थे लेकिन गुरुदेव ने आहार नहीं किया,
तो देखिए ये मोरलिटी के जो बात है कि मुझे आर अब वहां पर हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात, लेकिन उन्होंने नहीं किया। SMA गुरुदेव हरदम स्वयं अकाउंटेबल रहते हैं और दूसरों को भी अकाउंटेबल रखते हैं। आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कितने रेस्पॉन्सिबल धर्म संघ के प्रति, स्वयं के प्रति, चारित्र आत्माओं के प्रति, और टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। शायद आचार्य श्री महासमन जी जितनी ट्रांसपेरेंसी किसी ने नहीं देखी होगी। मुनि श्री एक दिन फरमा रहे थे ना कि सुबह भी रास्ते हैं और शाम तक, ऐसा का ऐसा हमने मुनि श्री दिनेश कुमार जी को देखा है। कभी भी आ जाओ, आप यहाँ पर विराजमान रहते थे, दर्शन करो कभी करो, ये नहीं कि यहाँ आने के बाद अंदर विराजे हैं दर्शन कर लें क्या, नहीं कर सकेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी कोई भी श्रावक आए, चाहे छोटे आए बड़े आए, सबके लिए एकदम सुलभ दर्शन। तो इतनी विशेषताओं के धारक, उन विशेषताओं को हम शायद शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी मैंने जन्मोत्सव के दिन भी जब मैं अपनी बात रख रहा था तो मैंने कहा कि भाई खुशी होती है धर्म संघ के आचार्य हैं इतने सक्षम, और जब गांव के होते हैं और पड़ोसी होते हैं तो कितनी खुशी होती है, और अगर परिवार के हो तो शायद खुशी का कोई पार ही नहीं रहता है। तो मैं तो कह सकता हूं कि मेरी खुशी का कोई पार ही नहीं है कि हम उस परिवार से संबंधित हैं जिस परिवार से आज महापुरुष महामानव महानायक आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। तो मेरी ओर से उनके श्री चरणों में अभिवंदना अभिवंदन अभिवंदन, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है, क्योंकि उस महापुरुष के बारे में अगर खड़ा भी रहूंगा तो कोई कोई बात आ जाएगी। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि जो आचार्य प्रवर के मिशन है उनको हम अपने जीवन में भी टू सम एक्सटेंट, पूरे नहीं उतार सके, टू सम एक्सटेंट हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें, तभी उस महामानव महापुरुष के प्रति सद्धी सही अभिवंदना अभिनंदन होगा। तो पुनः प्रणाम नमन, पंच परमेष्ठी को नमन, नमन श्रवण परंपरा के वर्तमान संवाहक आचार्य श्री महाश्रवण जी को, नमन पत्र विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद को। अनुव्रत समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम और भाई रतन जी के बाद बोलना मुझे याद आ रही है सन 1988 की बात, जब साध्वी जयश्री जी का चातुर्मास था और संवत्सरी के दिन भाई रतन जी ने वक्तव्य दिया था। तो सर्वत्र की ये क्रांतिकारी कौन है, तो ऐसे वक्ता के बाद में बोलना कुछ कठिन तो होता ही है, किंतु प्रयास मेरा भी रहेगा। आज अनुव्रत आंदोलन जिसे जिस दार्शनिक पृष्ठभूमि में भारत की उस समय की स्थितियां थी, और आचार्य तुलसी का जो एक निर्णय था, एक निश्चय था, चिंतन के बाद जो सरदार शहर से प्रारंभ हुआ, उस अनुव्रत आंदोलन ने 13 पंथ को व्यापक मंच दिया। उससे पूर्व 13 पंथ केवल हमारे जैन समाज और 13 पंथ तक ही सीमित था, किंतु अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से जब से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आदि से सरदार शहर के ही कार्यकर्ताओं को, मुझे याद स्मृति आ रही है साहित्य में पढ़ा, लोह पुरुष जयचंद लाल जी दफ्तरी, कितना कार्य उन लोगों ने किया। और उसके बाद में आचार्य तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो अपने प्रयोग से जो नवनीत निकाले, उन नवनीतों के माध्यम से अनुव्रत आंदोलन को विश्व शांति और अहिंसा का एक व्यापक आधार दे दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बाद में आचार्य महाश्रमण जी ने जो यात्राएं की है, इन यात्राओं में अनुव्रत आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो अनुव्रति पहले बने हुए थे संपर्क में आचार्य तुलसी के आते थे, अनुव्रत शिक्षक मंच, अन्य अन्य जो उपक्रम होते थे, उनसे उन लोगों को जब गुरुदेव ने यात्रा की और बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम आदि आदि क्षेत्रों में जब गए, तो वे सोए हुए व्यक्ति भी जग गए, और स्थानीय लोगों का जो सहयोग मिला
वह वास्तव में अनुकरणीय है। आवश्यकता इस बात की भी है कि अनुव्रत आंदोलन को हम अपने घरों में भी, अपने आप में भी उतारने का प्रयास करें। आज श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी का 50वां दीक्षा दिवस, 51वां दीक्षा दिवस, दीक्षा भारतीय संस्कृति में बहुत अहम शब्द है। भारतीय संस्कृति में, ऋषि परंपरा में कुछ मंत्रों को ग्रहण करना, किसी को गुरु मान लेना, इसे वे दीक्षा मानते हैं। किंतु हमारे जैन परंपरा में दीक्षा उससे भी बहुत बड़ी है। केवल गुरु मानना, मंत्र स्वीकार करना ही नहीं, अपने आप को संन्यास की तरफ उद्यत कर लेना और उसके बाद स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए इस उद्देश्य के साथ कि मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, यह उपक्रम है दीक्षा का। दीक्षा हर किसी को आना संभव नहीं है। जैसा भाई रतन जी ने कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार वो हमारे काम में आते हैं और वो संस्कार भी निश्चित रूप से आए। आचार्य श्री की मातुश्री नेमा देवी ने, उन्होंने सर्वप्रथम साधु सत्यों की संपर्क में लेकर के आई और उसके बाद में यहाँ साधु संत पधारते हैं, हम गोचरी की सेवा करते हैं। मैंने आज पढ़ा कि मुनि रोशनलाल जी के साथ गोचरी की सेवा में बालक मोहन सदैव तत्पर रहता था। तो यह गोचरी की सेवा भी कितना अहम कार्य है और कहाँ तक हमें ले जा सकता है, हमारे आत्मा के उत्थान में कितना सहयोगी बन सकता है। आचार्य श्री के गुणों के बारे में भाई रतन जी ने बताया, सुबह प्रवचन में भी हमने मुनि श्री से सुना और पिछले सप्ताह में निरंतर सुनते आ रहे हैं। कुछ एक बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, एक विनय की बात। तो आचार्य श्री का विनय जब हम देखते हैं कि रत्नाधिक संतों के सामने किस तरह वे उद्यत हो जाते हैं, और ये संभव हर किसी के बस की बात नहीं है देखना भी। यदि हम आचार्य श्री के सेवा दर्शन उपासना में जाते हैं और सुबह के समय की सामायिक न करें तो उस दृश्य को देख नहीं पाते हैं। सुबह सुबह की सामायिक में देखते हैं रत्नाधिक संत, अभी मुंबई में मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी थे, तो जब गुरुदेव पट से उठते, मुनिश्री पधारते, तो उस समय की जो स्थितियां हैं विनय की भी, तेरापन धर्म संघ का एक आचार्य किस तरह से एक रत्नाधिक साधु के प्रति विनय के भाव रखता है, वहां उपस्थित सभी को एक बिना बोले एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे देता है। आचार्य श्री की श्रमशीलता, श्रमशीलता की बात में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उन्हें महाश्रमिक कहा ही, किंतु हम भी जब जाते हैं, अभी इस बार ही मर्यादा महोत्सव में देखा, मैं ऐप अलग देख रहा था, 2 घंटे 20 मिनट तक आचार्य श्री ने अपने पसीने को नहीं पहुंचा। हमें दूर से दिख रही थी कि पसीने की बूंदें गिर रही है, आचार्य श्री प्रवचन दिए जा रहे हैं, किंतु तो इससे अधिक और श्रम क्या हो सकता है। और ये सब हम जब तक गुरु सन्निधि में नहीं पहुंचे तब तक इसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आपकी पाप भीरुता, पाप भीरुता का भी प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने नेपाल में देखा। उस दिन संयोग से मैं भी वहां गया हुआ था, जब भूकंप आया नेपाल सरकार ने पूरा पुलिस मुख्यालय आचार्य श्री एवं अनुयायियों के प्रति सुपुर्द कर दिया, किंतु आचार्य श्री महाश्रमण जी उस स्थितियों में भी अडोल रहे और आचार के प्रति इतनी निष्ठा कि उन्होंने वहां मुख्यालय में कमरों का उपयोग नहीं किया, कार पार्किंग के लिए जो शेड बना हुआ होता है उस शेड में रात्रि प्रवास किया। बरसात हो रही थी, श्रम की उच्चता हमें देखने को मिली, चारों ओर से संदेश आ रहे थे, महेंद्र मुनि के, मंत्री मुनि के, कि आप कुछ भी निर्णय गुरुदेव आप ले सकते हैं। लोगों ने अपने निर्णय ले लिए थे, किंतु आचार्य श्री महाश्रमण जी वहाँ अडिग रहे और अपने आचार के प्रति भी किसी तरह की भी कोई अन्य काम नहीं करना है। और उन्होंने तीसरे दिन मोतीलाल जी दुग्गड़ के मकान में आप पधारे,
उस समय आज तक पर यह आचार्य श्री का इंटरव्यू दिखाया गया था, संभवतः श्वेता सिंह ने वह इंटरव्यू लिया था, हम भी वहाँ थे। तो गुरुदेव की जो उस समय पाप भीरुता देखी, जो अदम्य साहस देखा, जो आचार के प्रति निष्ठा देखी, वह निष्ठा, ये अवसर हम स्वयं जब गुरुओं की सन्निधि में पहुँचते हैं तभी देख सकते हैं। आचार्य श्री की निष्प्रियता का उदाहरण हमने अभी कुछ ही दिनों पूर्व देखा, आचार्य श्री के संसार पक्षीय भाई के पुत्र का स्वर्गवास हो गया था। स्मृति सभा चल रही थी बंधुओं, लगभग घंटे भर चली स्मृति सभा में। अगर कोई जानकार व्यक्ति नहीं है तो वह यह नहीं बता पाएगा कि यह आचार्य श्री महाश्रमण जी के संसार पक्षीय भतीजे की स्मृति सभा है। आचार्य श्री ने फरमाया कि भाई परिवार के लोग आए और उन्होंने कहा हम स्तब्ध रह गए, अचानक भाई चला गया, तो इसमें स्तब्धता की क्या बात है, आना जाना यह क्रम है। और परसों भी गुरुदेव ने जन्मदिवस के दिन फरमाया कि भी नातिलों से ज़्यादा सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, माने वो भी अपने पारिवारिक जनों की उपस्थिति में फरमा रहे थे, उनसे आप धर्म चर्चा करो, ज़्यादा सांसारिक बातों में किसी को भी नहीं उलझना चाहिए। तो आचार्य श्री जो कुछ भी उपदेश देते हैं उसको सबसे पहले अपने आप पर प्रयोग की भूमिका में उतार कर वह उपदेश देते हैं, तो उन्हें फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आचार्य श्री से कुछ सीखना है, हमें प्रेरणा लेनी है, तो कम से कम 24 घंटे की सेवा, हम भले ही एक उपवास कर लें सुबह की सामायिक से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक अगर हम करें, तो वे महाश्रमिक हैं, उनका आचार कैसा है, वे कितना श्रम करते हैं, किस तरह से वे जनता को संभालते हैं, किस तरह से लोगों को प्रेरणा देते हैं, किस तरह से समय का मूल्यांकन करते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक दिन में सीख सकते हैं। किंतु आवश्यकता है हम केवल हवाई उड़ान से उड़ें और मंगल पाठ सुनकर आ जाएं, उससे हमें ये प्राप्त नहीं होगा। आवश्यकता है कि हम इस तरह की सेवा में अपने आप को नियोजित करें। समय की सीमाएं हैं, एक दो बात कहते हुए आचार्य महाश्रमण जी ने महात्मा महाप्रज्ञ पुस्तक लिखी, और चूंकि आचार्य प्रवर अब 63 वर्ष के हो गए हैं, तो अगर हम कहें महात्मा महाश्रमण तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा उनका जीवन है, ऐसी दिशा वे केवल जैन समाज को नहीं जन जन को दे रहे हैं। आप नित्य प्रतिदिन के प्रवचन उनके सुनिए, दूसरे समाज के लोग आते हैं, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, अन्य अन्य किसी भी विधा के, उनके प्रवचन को सुनकर आप तुलना करें किसी भी मैनेजमेंट गुरु से, किसी कैरियर कंसल्टेंट के, उनके प्रवचनों से आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना अनुभव कहाँ से उनके पास आता है। जैसी परिषद देखते हैं उस हिसाब से अपने वक्तव्य को, और भाषा पर इतना अधिकार, भाषा की स्पष्टता, और भाषा का कहीं दोष नहीं लगे, कोई बात हम मान जानते हैं कि यह बात सत्य है, आचार्य श्री संभवतः ऐसा हुआ, वे इतने जागरूक भाषा के प्रति है, किसी तरह का दोष नहीं लगे। तो जिस व्यक्ति का जीवन का प्रत्येक क्षण हमें हर तरह की प्रेरणा देता है, उसकी सन्निधि हम प्राप्त करते हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज 51वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं श्रद्धे आचार्य प्रवर के प्रति यह मंगल कामना करता हूँ कि दीर्घ काल तक आपका सतत सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे। और मैं मंगल कामना स्वयं के प्रति और आप सबके प्रति भी करता हूँ कि कदाचित मुनिवृन उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज आचार्य प्रवर का 51वां दीक्षा दिवस
समारोह पूर्वक मनाया गया। प्रथम चरण हमने श्री राम वाटिका में मनाया और द्वितीय चरण अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में तेरापन भवन उत्तर हावड़ा में मना रहे हैं। वक्ताओं से हमने सुना और सुंदर तरीके से उन्होंने अभिव्यक्ति दी। भारतीय संस्कृति में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। गुरु ही हमें मार्ग बताते हैं और गुरु ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ऐसे दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। संसार में गुरु भरे हुए हैं, लेकिन सच्चे गुरुओं का मिलना बहुत मुश्किल काम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पंचम अर्घ में इस कलिकाल में ऐसे महान गुरु मिले हैं, आचार्य श्री महासमन जी। आचार्य महासमन जी अनुत्तर संयम के धारक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध साधक हैं, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हैं। उनका कर्तृत्व बेजोड़ है और उनकी आवाज निर्मल और पवित्र है। उनकी सन्निधि में कोई भी व्यक्ति बैठता है वह आत्मतोष का अनुभव करता है। यदि वह कोई आशुकोप वाला है तो आशुतोष वाला हो जाता है। कोई व्यक्ति आशुकोप के रूप में आया और वो आशुतोष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एकदम शांत हो जाता है, प्रसन्नता की अनुभूति करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं ऐसे गुरु मिले और गुरु की सन्निधि में रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य महासमन जी आचार संपन्न है कि साधु का जो पंचाचार बताया है उनमें क्या है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पांच आचार से आचार्य प्रवर संपन्न है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा आचार संपन्न होगा और जिनका आचरण जितना स्वस्थ होगा उतना ही वह संघ की सेवा कर सकेगा, आत्मा की आराधना कर सकेगा और स्वयं कल्याण को प्राप्त होगा और दूसरों को भी कल्याण के मार्ग पर वो ले जाएगा। आचार में चार आ है, आचार चार आ है। पहला आ है आज्ञा। आचार्य श्री आज्ञा के प्रति सजग है। भगवान की क्या आज्ञा है, गुरुओं ने हमारे को क्या बताया है। जब गुरुदेव तुलसी मौजूद थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी मौजूद थे, उनकी सन्निधि में वर्षों तक रहे, उनके उपवास में बैठकर कितनी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया है और कितना अनुभव किया है, लेकिन आज्ञा के प्रति सतर्क। मैंने पहले भी सुनाया था हिसार की घटना। आचार्य प्रवर ने हिवाचार्य को निर्देश दिया, ये भाई बार बार आग्रह करा है और मोटर कार थोड़ी दूर सामने जो दिख रही है और इनके घर पर पगलिया करके आ जाओ, एकड़ मेरे मोटर जो खड़ी है वहाँ मेरा घर है। पधारे, जैसे ही वो मोटर आई, मोटर कार जो भी आई और पूछा घर थोड़ा सा आगे है, वापिस मुड़ गए और दर्शन किए। गुरुदेव ने फरमाया जाकर आगे माँ संबंधी उत्तर रेल से पहले वो भाई बोला कि मेरा पगलिया तो कराया ही नहीं है, तो मैंने भेजा था नहीं, अब
गुरुदेव ने कहा, माँ समुंदरी ने, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर आ जाऊँ। वापिस आज्ञा लेकर माँ पधारे और माँ प्रज्ञा जी ने कहा, जब तक तुम नहीं आओ तब तक हम यहाँ खड़े हैं। और पधारे, प्रज्ञा किए, वापिस आए, विहार किया। और जब आचार्य प्रवर हाशी पधारे और हाजिरी के समय कोई प्रसंग चला और उसमें आचार्य महाप्रज्ञा जी ने कहा, आचार्य ये युवाचार्य महासमन आज्ञा के प्रति कितना सजग है। वो पूरी घटना सुनाई। पूरी घटना सुनाने के बाद जबकि वो तर्क दे सकते थे और भी कुछ कर सकते हैं, उन्होंने क्या कहा, आपकी आज्ञा हो तो वापिस मैं जा कर आऊँ। तो वापिस आए और दर्शन किए और हम विहार किया। आज मैं कहना चाहता हूँ, इनके भीतर में आज्ञा के प्रति अहोभाव है, समर्पण है, विनय है। इन सब गुणों को देखकर ही मैंने युवाचार्य बनाया है, आज्ञा के प्रति समर्पित। दूसरा है आगम, आचार्य में आगम उनका प्राण है। आज जब हम उनकी सन्निधि में रहते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, प्रश्नोत्तर आदि चलते हैं और कोई उत्तर देते हैं, तो गुरुदेव यही पूछते हैं कि ये बात कहाँ है, रेफरेंस, रेफरेंस बताओ। आज्ञा के बाद में आगम, तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है, सुनी सुनाई बात कह देते हैं। जब गुरुदेव ने कहा कि आप कहते हो कि छह महीना दीक्षा के, छह महीना अर्थात दीक्षा ली, आठवें दिन बड़ी दीक्षा होती है, उस दिन कोई कारण से नहीं हुई थी, चार महीना के बाद में, फिर उनके बाद में दीक्षा न हो तो छह महीना के बाद में, और छह महीना के बाद में यदि किसी को प्रतिक्रमण नहीं आया, प्रतिक्रमण से संबंधित है, आठवें दिन प्रतिक्रमण आ गया दीक्षा होगी, फिर चार महीना, छः महीना, छः महीना के बाद में प्रतिक्रमण नहीं आया तो उनको गृहस्थ जीवन में आना पड़ता है, वापिस संसार में आना पड़ता है। तो आचार्य महासमुंद जी ने फरमाया, उसमें आचार्य महासमुंद जी हो गए, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। तो फिर गंगा से मर्यादा महोत्सव पर कोई प्रश्न वापिस उठा, क्यों एक शार्वी जी को दीक्षा दे दी थी, प्रतिक्रमण नहीं आया, वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली, उनको प्रतिक्रमण नहीं आया और बड़ी दीक्षा दे दी, बड़ी दीक्षा दे दी। तो फिर कोई ऐसा प्रश्न चला होगा कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं और मुनि जम्बू कुमार जी सदाशय वाले दोनों खड़े हुए थे, जम्बू कुमार जी बैठ गए और मैं खड़ा रहा। मैंने कहा, गुरुदेव आगम में कहाँ लिखा हुआ ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन व्याचार्य ने एक साधु को संघ से बाहर किया था, उनको प्रतिक्रमण नहीं आया, उनको संघ से बाहर किया था, मतलब वो गृह जीवन में आगे थे, इतना मैं जानता हूँ। तत्काल गुरुदेव ने सुना और उन बात को स्वीकार किया कि श्रुतानुश्रुत व्याचार्य ने ये बात कही है। कभी कभी क्या होता है, सब बातें आगमों में नहीं होती है, तो बहुत शुद्ध मुनियों से सुनी हुई है, ज्ञानी संतों से सुना हुआ है, तो रेफरेंस देकर आज्ञा धारणा से अनेक बातें हैं। तो फिर गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तो आज्ञा मतलब कह रहे, मतलब गुरु के प्रति आज्ञा का भाव तो है ही, और आगम के प्रति भी आस्था है। वो बार बार कहते हैं, जब भी आप प्रवचन शुरू करो पहले आगम वाक्य से शुरू करो, और जब तक बने तब तक जितनी भी सुक्तियाँ कामें लो, है जैन सुक्तियाँ कामें लो, दूसरों की लो मना ही नहीं है, पहले अपने घर की लो, मतलब आगम के प्रति इतनी आस्था है। और बार बार फरमाते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो, आगम का स्वाध्याय करो, और जितना ज़्यादा आगम का स्वाध्याय करोगे उतनी कर्म निद्रा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। और तीसरा जो है आचार्य में आस्था, उनकी देह गुरु धन के प्रति कितनी आस्था है, संघ के प्रति कितनी आस्था है, गुरु के प्रति कितनी आस्था है। संघ के प्रति आस्था थी तब वो रूपचंद जी जब संघ से अलग हुए, दिल्ली में अलग हुए, और वो बोले कुछ भी हो जाए मैं संघ में रहूंगा, तब युवाचार्य महाप्रज्ञा जी के दर्शन किए। और ऐसा कहा जाता है, सुना है
उस दिन हिमाचार्य महाप्रकृति के मन में आ गया, इस साधु पर मुझे ध्यान देना है और साधु को मुझे प्यार करना है। इस साधु के भीतर में संघ निष्ठा है, गुरु निष्ठा है। जिसके भीतर में संघ निष्ठा गुरु निष्ठा होती है, आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होता है, ये हम सब देख रहे हैं। आस्था। फिर चौथा आ में आचार में आ है आराधना। आराधना गुरुदेव कितनी आराधना कराते हैं, ज्ञान दर्शन तात्र तप स्वाध्याय आदि है। आपको आश्चर्य होगा प्रतिगमन के बाद में जब हम गुरुदेव को वंदना करते हैं, गुरुदेव विराज जाते हैं, चरण स्पर्श होकर संत आगे बढ़ते रहते हैं और वो जे भी कहते हैं लेकिन अपना बीच बीच में ऐसे कुछ न कुछ करते रहते, मतलब स्वाध्याय आदि करते रहते हैं। एक क्षण भी उनका परमात्म में नहीं जाता है, ये तो हमने कई बार देख लिया है, पर एक क्षण भी मेरा परमात्म में नहीं जाए, तो मतलब आराधना में भी वो तत्पर है। खुद आराधना कराते हैं और दूसरों को भी आराधना कराते हैं। तो ये गुरुदेव के आचार संपन्न है। दूसरा है विचार संपन्न, मतलब आचार्य श्री विचारों से भी संपन्न है। कुछ लोग ऐसे होते हैं विचार में संकीर्णता होती है, विचारों में दरिद्रता भी होती है, लेकिन गुरुदेव के विचार में उदारता है, विचार में निर्मलता है और विचार में पारदर्शिता है। विचार में भी चार भी है, आचार में चार आ है, विचार में चार भी है। पहला भी है विनय, जैसे भी आपने सुना आचार्य श्री का विनय भी देखने जैसा है, केवल देखने जैसा नहीं है, अनुकरण जैसा है, आचरण में लाए जैसा है। रत्नाधिक मुनियों के प्रति उनकी कितनी कितना हो भाव है, और शादी पुरुका जी का आप लोगों ने देखा ही, मतलब कितने लंबे लंबे विहार करके दर्शन दिए। यहाँ तक तो ठीक, वो एक आचार्य का कर्तव्य होता है, लेकिन वंदना करना ये विशेष बात है। संभवतः 13 पंथ के इतिहास में ये दुर्लभ अवसर होगा कि कोई आचार्य शादी प्रमुखा को इस प्रकार वंदना करता है, ये उनका विनय है। और पहले जो धर्मसंघ के साधु बड़े हैं, तो क्या आचार्य के शिष्य, जैसे उदाहरण के लिए आचार्य तुलसी से बड़े थे मुनि जीनमलि स्वामी, मुनि चंद्र मुनि, मुनि धनराज ऐसे, तो उसमें क्या लिखा जाता था, आचार्य तुलसी के शिष्य मुनि जीनमलि स्वामी, मुनि मुल्तानमलि ऐसे लिखा जाता था। लेकिन ये आचार्य श्री बनने के बाद में इन्होंने एक नया कार्य किया कि मेरी दीक्षा से जो बड़े मतलब आज्ञा मतलब संयम प्रिया में जो मेरे से बड़े हैं उनके लिए शिष्य ने आज्ञानुवर्ती शब्द का प्रयोग, आज्ञानुवर्ती ये मेरी आज्ञा में है, ये इनकी कितनी मान्यता है, तो मतलब ये विनय है, विनय है। दूसरा है विचार में भी विरक्ति, और विरक्ति देखो अनाशक्ति देखो, खाने में पीने में बोलने में चलने में उठने में बैठने में कितनी वितरागता है, विरक्ति का भाव है। आप खाने का देखो बहुत कम द्रव्यों का उनके उपयोग होता है और बहुत संयम है, बोलते भी बहुत कम है, मतलब आप 100 बार बोले और जवाब देते इसका मतलब नहीं है, थोड़े समय जवाब देकर आप भी संतुष्ट हो जाते हैं और मुस्कुरा कर कभी कभी तो मुस्कुराहट से भी हमारा काम हो जाता है। तो मतलब इतनी विरक्ति है, और इतनी विरक्ति के कारण केवल 13 पंथ समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग, अन्य बड़े बड़े आचार्य भी आचार्य महास्वामी जी की विरक्ति से प्रभावित है और उनकी साधना से प्रभावित है। आचार्य ज्ञान गज के आचार्य ले लो, चाहे अन्य संप्रदाय के आचार्य ले लो, वो भी कहते हैं कि आपके जो आचार्य हैं वो उनकी भाषा में मतलब भाषा में कहते हैं, और कुछ तो बहुत प्रभावित है कि 5वें आर्य में 4वें आर्य के बारे में बता रहे, 4वें आर्य के जो साधु होते हैं, 4वें आर्य के साधु होते हैं, जैसे 4वां आर्य होता है वैसे ये सब गुण बता रहे हैं, मतलब कितनी उन्हें वो विरक्ति का भाव है। तो विचार में भी विनय, विरक्ति, और तीसरा है विवेक, उनका कितना विवेक जागृत है। विवेके धम्म आइए, विवेक में ही धर्म है। वो कोई भी प्रवृत्ति करते हैं विवेक के साथ करते हैं, विवेक का मतलब जागरूकता भी कह सकते हैं और शीर नीर का भेद भी कह सकते हैं, हंस की दृष्टि भी कह सकते हैं। वो कोई भी प्रवृत्ति करते हैं पूर्ण जागरूकता के साथ, बैठते हैं पूर्ण जागरूकता के साथ, चल रहे हैं पूर्ण जागरूकता के साथ। कोई जीव जंतु भी यदि आ जाता है तो वो संतों को सजग लेते, मतलब संतों को सजग लेते हैं, या संत
को कहा हुआ होता है कोई जीव जंतु आदि आ जाए तो सबको सचेत कर लेना चाहिए। तो इतना उनका विवेक जागृत है। और चौथा है विचार में भी विधायक भाव, हमेशा वो पॉजिटिव भाव वाले रहते हैं, कभी भी नेगेटिव भाव नहीं रहता, पॉजिटिव भाव। और इतना पॉजिटिव भाव है जिनके कारण उनके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है, कर्तित्व में निखार आ रहा है। और उनका जो आभामंडल है, ये आभामंडल हमें दर्शाता है, उनकी साधना हमें कहती है कि उनके दिल में कितना विधायक भाव है, पॉजिटिव भाव है। और जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव भाव वाला होगा उतना ही वह साधनाशील होगा, और उसके मतलब कर्म निद्रा इतनी होती है। क्यों? नेगेटिव भाव के कारण कर्मों का बंधन होता है। क्यों? मन में मलिनता का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है, अन्यता का भाव आता है, कर्मों का बंधन। और पॉजिटिव भाव में मतलब कर्मों की निद्रा की संभावना रहती है। लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। तो ये आचार और विचार से गुण संपन्न है। और शुद्ध आराधक है, शुद्ध आराधक, आत्म आराधक और समाज सुधारक। समाज सुधार के बारे में कितनी चिंता करे हैं, चाहे मृत्यु भोज का ले लो, तपस्या के उपलक्ष्य में कई जगह खूब भोज होते हैं। तो गुरुदेव ने नियम बना दिए, नियम बना दिए, तो खुद सक्रिय, खुद सजग और समाज को भी सजग करे हैं। ऐसे महान गुरु के बारे में जितना बोले उतना थोड़ा है। चाहे कष्ट की बात ले लो, जैसे बताया नेपाल की घटना ले लो, चाहे और भी घटना ले लो, हर स्थिति में वो अपने आप को संतुलित रखते हैं, हर स्थिति में अपने आप को आलोकित करते हैं और अपने आप को प्रकाशवान बना देते हैं, प्रकाशवान बना देते हैं। तो सबको प्रकाशवान बनना है और उनके पद पर चलने की कोशिश करना है। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी भाई बहन गुरु के गुणगान में आगे रहे, और गुणगान करने से कर्म निद्रा होती है, अनुमोदना का भी कार्यक्रम होता है, कर्म तब अनुमोदना का, वैसे गुरु अनुमोदना का कार्यक्रम, गुणगान का कार्यक्रम होता है, जरूर सहभागिता दर्ज करानी चाहिए, इसे शासन की प्रभावना होती है। तो आज अनुव्रत विश्व भारतीय सोसाइटी के तत्वाधान में स्थानीय हावड़ा और कलकत्ता दोनों समितियों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, अभिवंदना और समारोह यानी अभिवंदना, अभिवंदना। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब शासन की प्रभावना करो, आत्मा की आराधना करो, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को नमन। संयम के महासूर्य अणुवत अनुशास्ता आचार्य महासमन जी को कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सर्ववर्ती मुनिवृंद को मेरा मध्यन वंदामि। संपूर्ण जीवन आत्म कल्याण, जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण को समर्पित करने वाले मानवता के मसीहा आचार्य श्री महासमन जी के दीक्षा कल्याणक महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अणुवत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित अनुशास्ता अभिनंदन समारोह अणुवत समिति हावड़ा एवं कोलकाता संयुक्त तत्वधान में ये आयोजित हुआ। सर्वप्रथम मैं मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अल्प समय में ही ये कार्यक्रम करने की एक अनुमति प्रदान की। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के प्रधान वक्ता श्रीमान रत्नलाल जी दुग्गड़, श्रीमान सुशील जी चौड़िया का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने लगभग मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए आपसे अनुमति मिली इस में बोलने का एक समय प्रदान किया। उत्तर हावड़ा सभा परिवार में श्रीमान राकेश जी संचेती, बुधमल जी लुनिया, सभी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये स्थान प्रदान कराया कार्यक्रम करने हेतु। समस्त श्रावक समाज, अणु विभाग से पधारे हुए पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं अणुवत समिति हावड़ा कलकत्ता के सभी सदस्यों का भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च मैं अणुवत अनुशास्ता के दीक्षा कल्याणक महोत्सव पर मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहं।